सखिया ने सजना है मैं भी सवरना है आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा भी। चलो भाई बाहर तो चल रहा है दुल्हन का फोटोशूट और अंदर देखो भाई, अंदर भी मेहंदी लगना शुरू हो चुकी है और अब देखो भाई पूरे लग चुके हैं। और देखो भाई मंदिर कितनी सुंदर लग रही है देखो। और यहाँ देखो ऐसे लोग भी हैं हमारे यहाँ, देखो इन्हीं रहे क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। जय माता दी, जय माँ काली। और यहाँ देखो भाई ये वाला काम देखो, ये देखो भाई गूगल से पोज निकाले जा रहे हैं और यहाँ पोज करवाए जा रहे हैं। ये है भाई अपनी शानदार वाली बस और इसमें हमारा एक भाई आ रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे प्यारे से गांव एरोली से, जहां से मैं आपके लिए प्यारी सी वीडियो बना रहा हूं। और ब्लॉग वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और मेरे साथ मेरी इस प्यारी सी जर्नी में दोस्तों जुड़े रहें। अभी करीबन दोस्तों सुबह के 10 बजे का टाइम हो रहा है और अभी देखो भाई नीचे सब शादियों की तैयारी कर रहे हैं और हमारे भैजी नीचे अभी अपने खेतों में पानी डाल रहे हैं, यानी अपनी मिनी खेतों में। चलो बढ़िया है, वहाँ पर राई बूत रखी है बट उसके चक्कर में, कंडीली के चक्कर में नहीं दिख रहा। और मेरी तैयारी भी हो चुकी है दोस्तों यहाँ से सीधा बेदीखाल जाने की, अभी बेदीखाल जा रहा हूँ। बाकी यहाँ देखो नीचे नीचे चल रही है छत में अभी कटिंग, ये देखो भाई। तो चलो निकलते हैं दोस्तों ना, आज का मौसम चेक करो भाई कितना प्यारा सा हो रखा है। एक दो बादल देखो ऊपर लगे हुए हैं, वो भी हल्के फुल्के से हैं, तो काफ़ी प्यारा सा माहौल हो रखा है और काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है फिलहाल। बाकी दोस्तों वही सीन डेली का कि चैनल की रीच बिल्कुल ख़राब हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट वगैरह करना जिससे कि चैनल की रीच ठीक हो पाए। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यार दोस्तों इस चीज़ के लिए। हमारे गांव में बिल्कुल शादी का माहौल है तो 2 दिन बड़ा अच्छा लगेगा शादी में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग भी देखने को मिलते हैं, दोस्त लोग भी मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत इन्जॉय भी हो जाता है तो बढ़िया लगता है। चलो भाई दोस्तों निकलते हैं अब। बाकी मेरे साथ आ रहा है अरुण, अरुण को आज बाल वगैरह कटाने हैं तो आधे टाइम बल बस में आएगा ही तो चलो निकलते हैं क्योंकि लेट भी हो ही रहा है। चलो भाई दोस्तों आ चुके हैं ठीक बेदीखाल मार्केट में। फिलहाल दोस्तों बेदीखाल के नज़ारे तो कुछ ऐसे हो रहे हैं, देखो भाई बहुत कम लोग दिखेंगे बस यहाँ पे, जो दुकानदार है वो और जो ड्राइवर लोग हैं वो और इक्का दुक्का हम जैसे आदमी बस, क्योंकि अब कौन है यार गांव में, प्लान हो गया है भाई हमारे क्षेत्र से बहुत ज़्यादा। तो आप फंसा दिया तो नहीं है नाड़ में इस भाई से? मैंने अभी शौक से लिया, इस भाई के पास पन्नी नहीं है यार, क्या होगा तेरा, कैसा दुकानदार है तू, कुछ तो दे जुगाड़ है, कुछ जुगाड़ नहीं है, कैसा भाई यार, कैसा दुकानदार है यार तू, 10 रुपये कम कर दूँ फिर, 10 रुपये कम इसमें, 10 रुपये कम पक्का। सो मच भाई यार तूने मेरे को डिस्काउंट दे दिया भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। तो ये है भाई अपनी शानदार वाली बस और इसमें हमारा एक भाई आ रहा है। तो भाई दोस्तों अपने उपेंद्र भाई भी आ चुके हैं और इनको ही लेने हम यहाँ आए थे। तो अभी ना दोस्तों हमारे एक दो काम और हैं जो कि हम अभी निपटा रहे हैं, तो उनको निपटा के चलेंगे, एक दो सामान लेना है फिलहाल, तो चलो फिर निकलते हैं। वो भी वहीं का सामान लेना है शादी के लिए, क्योंकि यहाँ भूल गए थे भाई, वो जिनमें सामान मंगा रखा था ना वो भूल गए देना, तो यहाँ से ले जा रहे हैं। तो भाई यहाँ देखो भाई लौंडा बन गया स्मार्ट और इसीलिए आया था ये कि शादी में जाऊँगा तो भाई स्मार्ट बन के ही जाऊँगा। तो चलो भाई दोस्तों अभी आ गए ठीक बेदीखाल से और ये सामान था भाई जो नीचे है, इसमें दाल वगैरह है तो रात के लिए होगी, बाकी आ गए भाई जैसे तैसे करके, बड़ी हालत ख़राब हो गई भाई और नीचे से पता क्या बोल रहा है, बोल आ गए मेरे अदर। तो ना हमारे गांव के मंदिर में भी एक बहुत मस्त काम हो चुका है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। जय माता दी, जय माँ काली। और यहाँ देखो भाई ये वाला काम देखो कितना बढ़िया से हो चुका है, यहाँ भी देखो ये टाइल वाले पत्थर लग गए, यानी वे वाले पत्थर यहाँ से पूरे लग गए और पिछला व्लॉग आपने देखा होगा तो वहाँ लग रहे थे और अब देखो भाई पूरे लग चुके हैं। और देखो भाई मंदिर कितनी सुंदर लग रही है देखो, वाह।
बहुत अच्छा लगा भाई इसको देख के, ये बढ़िया हो गया। बाकी अगर इस साइड को भी हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। पर वैसे अगर ऐसे दुबलू भी ना, ये दुबलू हो रखा है ना, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, अगर ऐसा भी रहेगा तो बढ़िया ही है। बाकी जो हो चुका है तो वो तो काफ़ी अमेजिंग ही है भाई। चलो निकलते हैं, और ये सामान भी पहुँचाना है भाई नीचे उनके घर पर। और आजकल ना बिल्कुल शादियों का ही सीज़न चल रहा है, तो भाई अभी कोतलो गाँव में भी एक शादी हो रही है, तो अभी हमें आते हुए रास्ते में दिखे वो, बट वही है बाइक चला रहा था तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाया, नहीं तो आपको दिखाता। तो यहाँ देखिए भाई, हमारे चाचा जी लेके आ गए खाना। अरे लोग अपने बर्तनों में लेके आते हैं और पतल लेके आ गए। जैसी व्यवस्था होगी वैसे काम करना है भाई। अच्छा, मतलब व्यवस्था खराब है? ऐसी व्यवस्था नहीं, व्यवस्था सही थी, आप बर्तन नहीं लेके अपने घर से यार। ऐसी है, ऐसी है। तो चलो, तो चलो भाई दोस्तों, तो चलो भाई दोस्तों अभी घर भी पहुंच गए हम। और यहाँ देखो भाई, अब जाके मेहंदी लग रही है इनकी। ये देखो, लोगों ने कल लगा दी है, ये अब लगा रही है। और मेहंदी देखो कैसी लगी है, ये देखो भाई। ओ भाई साहब, वैसे तो मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती। अच्छा, पर मैंने थोड़ा बहुत ट्राई करने का कोशिश किया, फिर मेरे से ऐसी मेहंदी लग गई। दिखा जरा, क्लोज दिखाना हाथ। अरे बेकार लगी है, ज्यादा खास नहीं लगी क्योंकि मेरे को आती भी नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे ही लगा दी खाली। हाँ, क्योंकि मेहंदी लगाने वाला कोई मिला ही नहीं मुझे। अच्छा, इसलिए मैंने अपनी मेहंदी खुद ही लगा दी। आत्मनिर्भर बनो। दोस्तों ठीक शाम का टाइम हो चुका है, और अभी शाम के नज़ारे चेक करो भाई, कुछ इस तरीके से। इधर अभी धूप रह गई है तो इधर से भी कुछ देर में चली जाएगी, पर अभी देखो क्या नज़ारे दिख रहे हैं ना हमारे घर से, तो बढ़िया नज़ारे दिखते हैं भाई। आज ना दोस्तों मेहंदी भी है, तो अभी मेहंदी में भी चलेंगे शाम को, और फिर देखते हैं क्या क्या सीन बन पाता है। तो चलो भाई दोस्तों, अभी ठीक 9 बजे का टाइम हो चुका है, तो चलिए अब चलते हैं मेहंदी में। बाकी हम तो आज वहीं इन्वाइट थे, बट मेरे को पता ही नहीं था कि हम वहाँ इन्वाइट है। मेरी बहन को बोल रखा था, उसने बताया नहीं, तो चलो कोई नहीं, पर हम चलते हैं उधर और अब आपको दिखाते हैं मेहंदी। तो चलो भाई, इधर से हो रहा है दुल्हन का फोटो शूट, मेहंदी वगैरह लग गई है, हमें तो पता ही नहीं चला। बाकी यहाँ देखो, दुल्हन की जितने भी दोस्त लोग है ना, मतलब दुल्हन से छोटी है सारी, और अभी लगी हुई है, उसको पोज बता रही है, पर आ नहीं रही। पर इनको खुद ही नहीं आता, मेरे को तो ये लगता है सिखाने वाले बनी है। आता है क्या? आता है तुम्हें? अच्छा, फोन से देख रहे हैं। अरे वाह, ये देखो भाई मेहंदी तो बढ़िया लगी है वैसे। भाई गूगल से पोज निकाले जा रहे हैं और यहाँ पोज करवाए जा रहे हैं, और ये तीनों के तीनों देखो। और ये पता नहीं ये मुस्लिम कहाँ से आई है, मुल्ला। क्या ही बोले। और ये कुछ दर्शक है यहाँ जो कि दुल्हन को तो देख नहीं रहे, पर ये फोन तीनों के तीनों फोन चला रहे हैं। हाँ, क्या देख रहे हो तुम नीचे? हाँ सही है। मैं भी सबर ना, आज दिन चढ़िया तेरे नाम दावी, अज सजया है सारा शहर। चलो भाई बाहर तो चल रहा है दुल्हन का फोटो शूट, और अंदर देखो भाई, अंदर भी मेहंदी लगना शुरू हो चुकी है। तो पहले दुल्हन की लगा दिया, फिर अब नहीं लगा रहे हैं ये लोग। और यहाँ देखो, ऐसे लोग भी है हमारे यहाँ, देखो इन्हीं रहने हमेशा। तो सब जगह दोस्तों अपना चल रहा है, और यहाँ देखो ये दोनों अपने लगे हुए हैं, और क्या लिख रहा है भाई, राधे कृष्ण। वाह यार, ओहो, और यहाँ राधे कृष्ण लिख रहे हैं। अभी भाई देखो, अब जाके यहाँ डेकोरेशन हो चुका है, तो मेहंदी का डेकोरेशन अब जाके किया जब आधे लोगों की मेहंदी भी लग चुकी है। देखो चलो भाई, अब बारी बारी सबका फोटो शूट होने वाला है। दोस्तों ये क्या फनी है,
तो चलो दोस्तों अभी आ चुके हैं घर पे और यहाँ देखो भाई आयुष भाई ने क्या मेहंदी लगा रखी है। तो आयुष ने लिखा है जय श्री राम, तो जय श्री राम नहीं लिखा है मतलब राम लिखा है तो जय श्री राम डिजाइन के साथ। बाकी यहाँ देखो आयुष अपनी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं लिखा तूने नहीं लिखा तूने नहीं लिखा अपने बॉयफ्रेंड जी का नाम लिखा स्वामी जी का। चलो भाई दोस्तों अपनी पूरी मेहंदी वगैरह लग चुकी है और आ चुके हैं आप घर पे, तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। बाकी आपको ब्लॉग कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ सबके साथ वीडियो को जरूर से शेयर करना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।